चैनल टैरेंट यू, दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मैसेज करने वाली हूँ, चैनल मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर। आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज होगा, आपका फेवरेट टॉपिक है, तो आज की रीडिंग आप लोगों के लिए है। जो लोग भी नए हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिले। मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर ये रेजोनेट होती है तो इसमें दी गई गाइडेंस को भी आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने लिए पर्सनल सेशन भी बुक करवा सकते हैं, बट ये फ्री सर्विस नहीं है। अगर आप पर्सनल अपने लिए रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, इसके लिए फीस है, चार्जेबल है। अगर आप रेडी हैं तो आप जरूर हमसे कॉन्टैक्ट करें, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी कि किस तरह से आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, आपको यहाँ से ही अपने मैसेजेस लेने हैं और गाइडेंस लेनी है। अगर ये सिचुएशन रेजोनेट हो तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, तो आपको बने रहना है मेरी इस वीडियो पे, ठीक है। आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है, भगवान का नाम लेना है, ताकि आज मैं आपको आपके सवालों के जवाब दे पाऊं। इस वक्त क्या है चैनल मैसेज आपके लिए, चैनल मैसेज क्या है? यहाँ पे द मून का कार्ड है, लगता है अभी अभी आपने उनको कुछ सुना दिया है, हम बात कर दी है। कुछ ऐसी बातें मुझे दिख रही हैं कि वो किसी बात को लेके परेशान हैं, कुछ बोली हुई बातें हैं, उनको वो बातें चुभी हैं, उनके दिल पे लगी हैं, इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है। और आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, यहाँ पे मुझे एक मैसेज और आया है कि जैसे दो चार दिन से ही आपका जैसे ब्रेकअप हुआ हो, बातचीत होना बंद हुआ है, आप बात नहीं कर रहे हैं उनसे और काफ़ी परेशान हैं, आप दोनों में कुछ झगड़ा हुआ लगता है मुझे। यहाँ पे ऐसे लोगों की मुझे एनर्जी मिली है, स्कॉर्पियो पाइसेस कैंसर एंड एरिस लियो सैजिटेरियस। द वर्ल्ड कार्ड है, हालांकि आपसे दूर तो हैं, बात नहीं कर रही हैं, लेकिन ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है, आपके पर्सन का। ये मुझे मैसेज आ रहा है आपके लिए, नाइट ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। अभी देखिए बातचीत करने का, अगर मैं सोचूं कि ये बातचीत कर लेंगे या कोई कॉल मैसेज कर देंगे, अभी इन्होंने रोका हुआ है, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है, अभी इन्होंने अपने आप को रोका हुआ है बातचीत करने के लिए, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बट उनको आपके बारे में सोच भी रहे हैं, बट एक्शन आज यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एक्शन की कमी है गाइज। आपने लगता बहुत ज्यादा बातें उनको सुना दी हैं, जो लेके वो बैठे हैं अपना टूटा हुआ दिल, सोच विचार कर रहे हैं, मिसिंग की एनर्जी है, आपको भी उनकी याद आ रही है, उनको आपकी एनर्जी फील हो रही है, आप दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए भी मैसेज यही है, फ्यूचर को लेके आप सोच रहे हैं, फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा, इस चीज की प्लानिंग आप दोनों में से कोई कर रहा है, फ्यूचर को लेके कि कभी सिचुएशन ठीक होगी, एक होप आज भी आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई देती है। और क्या मैसेज है आपके लिए, जेमिनी लिब्रा क्यूरियस टॉरस कैप्रिकॉर्न वर्गो, ऑल साइन रीडिंग। रिलेशनशिप चैनल मैसेज है आपके लिए, मैंने बोला ना ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे दूर रह भी नहीं पाते हैं, इनसे जिया भी नहीं जाता आपके बिना, बट सेपरेशन दिख रहा है मुझे, क्लैरिटी मिलेगी इनको, इस रिश्ते की अहमियत समझ आ रही है, सपनों में आप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये भी एक मैसेज है, ठीक है, सपनों में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे आपको पूरे कार्ड नजर आएंगे। बैलेंस, ट्विन फ्लेम है आप दोनों, ऐसा मुझे दिख रहा है कार्ड से। फैमिली इश्यूज, यस फैमिली की बात है आप दोनों के बीच में, फैमिली की बात है। इंस्पिरेशन, बट आप इनको इंस्पायर भी करते हो, आपको ये अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, प्रेरणा मिलती है आपसे, ये काफी कुछ सीखते हैं, ठीक है। अभी मैं इनको डिटेल में भी बताऊंगी, ठीक है। आप एक हीलर हैं, यहाँ पे मुझे एक हीलर की एनर्जी दिख रही है, आप एक हीलर हैं, आपको लगता है कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं
और हीलिंग जानते हैं, किसी न किसी तरह से आप जुड़े हुए हैं इन सब एक्टिविटीज में, तंत्र जानते हैं या कुछ रेकी जानते हैं या कोई भी हीलिंग मॉडेलिटीज आप जानते हैं, ये सब चीज़ें मुझे आपके बारे में फील हो रही हैं। आप टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं जो भी मेरी इस वीडियो पे हैं, या टैरो के बारे में अच्छी जानकारी आप रखते हैं। और मैसेज क्या है आपके लिए, ये कार्ड आया है, इट इज़ टाइम फॉर मी टू हील नाउ। देखो मैंने बोला ना, पर्सन अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि इनको लगता है अभी इनको थोड़ा वक्त चाहिए हील होने के लिए, अभी रेडी नहीं है, इनकी लाइफ में अभी ब्लॉकेजेस हैं। देयर इज सो मच आई वॉन्ट टू सी यू, बात तो बहुत कुछ करना चाहते हैं बट कह नहीं पाते हैं। एक का रोल निकालते हैं, आई रिग्रेट लाइंग टू यू, उन्होंने आपसे झूठ बोला इसलिए उनको पछतावा है, ठीक है। द हर्मिट से भी हम कार्ड्स लेंगे आज की रीडिंग के लिए। लव मी, ये पर्सन चाहते हैं आप इनसे प्यार करें, ये दूर होना नहीं चाहते हैं, आपसे बात तो नहीं कर रहे हैं लेकिन सोच आपके बारे में ही रहे हैं, आपसे प्यार की उम्मीद रखते हैं। You are my everything. आप सब कुछ हो, ठीक है। आज का चैनल मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप इनकी ज़िंदगी में सब कुछ हैं, और क्या चाहिए। बहुत सी चीज़ों को लेकर रिग्रेशन इनके अंदर अभी भी है, गिल्ट है, इस वजह से ये आपके सामने भी आते हैं ना तो ऐसा करते होंगे कि पलके इधर उधर कर लेते हैं, अपनी नज़र घुमा लेते हैं, आपकी तरफ देखते नहीं है, क्योंकि गिल्ट की एनर्जी है इनकी आपके लिए। फिजिकल अट्रैक्शन डेफिनेटली है बट इनको आपके साथ नई शुरुआत भी करनी है, ठीक है। इस वॉन्ड का कार्ड है, इसको हम नई शुरुआत मानते हैं इसमें। तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, ये चीजें यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ आपके लिए, उन्हीं की जुबानी आप सुन लीजिए कि वो आपसे क्या क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। इन कार्ड्स को मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, वो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं ये वाले कार्ड पहले एक्सप्लेन करूंगी, जो टैरो हमने पहले निकाल के रखे हैं, उसके बाद मैं ओरेकल मैसेज आप लोगों के लिए देखूंगी, उसके लिए मैं डिटेल में इन लव मैसेजेस में भी जाऊंगी। हम दोनों के बीच में बात अभी नहीं हो रही है, तुमने मुझे इतना कुछ सुना दिया है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। क्या हुआ, अगर कुछ हुआ भी है तो तुम ये बात तरीके से भी बोल सकते थे, बट तुम्हारे बोलने का तरीका बहुत ही रूड और डिसरिस्पेक्टफुल था मेरे लिए, जो कि नहीं होना चाहिए था। मैंने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की कि मुझे इतनी सारी बातें सुना दी जाएं। तुमको बात नहीं करनी है, ठीक है, लेकिन इस तरह का बिहेवियर, इस तरह की रूड लैंग्वेज तुमने कहाँ से सीखी है? इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए था। जब भी तुमसे बात करने आओ, तुम कुछ ना कुछ पुरानी बातों को लेकर लड़ने लग जाते हो, तुम वही सब चीज़ों में डूबे रहते हो, पास से बाहर ही नहीं आना चाहते। जो हो चुका है मुझे भी पता है, गलत हुआ है, मेरी तरफ से हुआ है, मैंने तुम्हें झूठ बोले, आई एग्री एवरीथिंग, बट अब आगे क्या, आगे उसको ठीक करना है तो उस चीज़ को हमको भुलाना भी होगा, बट तुम हो कि भूलने को तैयार ही नहीं हो, वही सब बातें बार बार तुमको करनी है, वही सब बातों को लेके बार बार झगड़ा करना है, जिससे अब मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं औरों से भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ सुन सुन के बातें, अब तुमने भी मुझे सुनाना स्टार्ट कर दिया है वही सब बातें, आखिर एक इंसान कब तक सुने, इतना बुरा है, ठीक है ना, तो हम बात नहीं करते अगर इतनी ही बुरी लगती हैं मेरी बातें तुमको, तो मैं नहीं मैसेज करता, करती नहीं बात करूंगा या करूंगी। हम चुप रहते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, कब तक होता है, कब तक ये सब चीज़ें हमारे बीच में रहेंगी, इन सब चीज़ों के बारे में सोचती हूँ। लेकिन मेरी सारी दुनिया तुम्हारे तक ही आके क्यों रुक जाती है, मुझे ये बात समझ ही नहीं आती। चाहे तो हम दोनों लग होना तो चाहते हैं, तुम भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है ना। घूम फिर के मुझे तुम ही चाहिए, घूम फिर के मुझे तुम्हारे पास ही आना पड़ता है, तुम्हारे जैसी कोई और मुझे मिलती नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही बात करना पसंद है, तुम्हारे साथ ही रिश्ता रखना पसंद है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या,
ठीक है तुमको बात नहीं करनी है तो मैं भी कोई कॉल मैसेज नहीं करूंगा, जब तुम्हारा मूड हो अच्छे से रिस्पेक्टफुल वे में अगर बात करनी हो तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। मुझे याद तो आती है, अकेले बैठो तो पूरा दिन मेरा तुमको याद करने को ही निकल जाए और पता भी नहीं चलता है कि इतना सारा वक्त मैं तुमको याद करने में गवा दिया है, या सोचते हुए पूरा दिन निकल गया मुझे पता ही नहीं चलता है। सारा दिन ऑफिस में उठते बैठते, हर जगह घर परिवार दोस्तों में घूमते हुए, हर जगह मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आती है। वो अकेलापन, एक खालीपन मुझे फील होता है जो कभी भी भरा नहीं जा पा रहा है और मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ। क्लैरिटी मिलती है, सपने भी तुम्हारे इतने आते हैं कि मैं क्या करूँ। सपनों में तुम्हारा चेहरा अक्सर मुझे दिखाई देता रहा है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि हाँ, हम दोनों बने तो एक दूसरे के लिए हैं। हम दोनों में अगर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, फैमिली का मैटर नहीं होता, तो आज हम दोनों एक होते। ये चीज़ मुझे भी पता है और तुमको भी पता है, लेकिन उसके बावजूद फैमिली बीच में आ जाते हैं तो मैं भी हेल्पलेस हूँ और तुम भी हेल्पलेस हो। तुम्हारी तरफ से भी तुम्हारी फैमिली का बर्डन है, मेरी तरफ से भी मेरी फैमिली का बर्डन है। सबको नाराज करके हम दोनों एक हो भी जाएं तो क्या होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो रिश्ता है वो खास है। कोई समझे ना समझे, मैं किसी को बता भी नहीं सकता, किसी को समझा भी नहीं सकती आखिर ये प्रॉब्लम है क्या, क्यों मुझे उस पर्सन की याद दिन रात सताती है और फिर भी उसकी यादों में खोया रहता हूँ, खोई रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। बस ये लड़ाई झगड़े अब ख़त्म कर देने चाहिए। कब तक हम झगड़ा करेंगे, कब तक हम लड़ते रहेंगे? तुमने मुझे बोला था कि हाँ, हमारा एक पिछले जन्मों का रिश्ता है। मुझे भी यही लगता है कि ये पिछले जन्मों का रिश्ता है। तुम ट्विन फ्लेम भी बताया था। हाँ, मैं उसके लिए जानना तो चाहता हूँ, बट पूरी तरह से मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ये चीज़ें होती क्या है। बट अगर तुम मेरे पे शक कर रही हो कि मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता करती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पूरी तरह से तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। काफ़ी चीज़ें तो मैंने तुमसे ही सीखी है, काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने तुमको देख के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की, अपनी लाइफ को बदला भी है। तुम मेरी इंस्पिरेशन हो, तुमसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। तुम बहुत केयरिंग हो, दूसरों का ख्याल रखना, ये सब चीज़ें तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर की ये क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं भी बहुत कुछ तुम्हारी बातों से मुझे सीखने को मिला है। उस चीज़ से मेरी ज़िंदगी में भी काफ़ी अच्छे परिवर्तन भी आए हैं। तो ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हारे बारे में गलत हूँ या तुम्हारा बुरा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, अपने घर परिवार में खुश रहो, बट कभी कभी मुझे भी इज्जत से बात कर लिया करो, कभी कभी मुझे भी समझने की कोशिश कर लिया करो। मेरे से गलतियां हुई हैं, मैंने झूठ बोले हैं, मैं अपनी गलती मानता हूं, तो क्या तुमको भी उस बातों को भुला नहीं देना चाहिए? तुम क्यों उस बातों को पकड़ के रखे हो और आगे चलते जा रहे हो? इसलिए अभी मैं चुपचाप रहता हूं ताकि, ठीक है, मुझे लगता है मेरे अंदर कमियां हैं तो मैं अपने आप को ही ठीक कर लूं। हो सकता है अभी भी कुछ कमियां बाकी हैं मेरे अंदर। कहना मैं बहुत कुछ चाहता हूं पर तुम्हारे लड़ाई झगड़े के जो तरीके हैं तो उस वजह से मैं कुछ बोल ही नहीं पाता हूं या पाती हूं। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं कैसे बताऊं? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमको कैसे समझाऊं ये सब बातें? तुमको क्यों महसूस नहीं होता? या तो तुम महसूस करना ही नहीं चाहती, तुम देखना ही नहीं चाहती मेरी आंखों में। मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली है, और अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तुमको लग रहा है कि बात नहीं कर रहा, गुस्सा है, गुस्सा नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुमको वक्त दे रहा हूँ ताकि तुम भी पुरानी बातों को भूलकर फिर से एक नई शुरुआत करो। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था, हमारा रिश्ता आगे भी बहुत अच्छा हो सकता है, ये तुमको भी पता है और मुझे भी पता है। एक कोशिश की जा सकती है, इतना भी मुश्किल नहीं है। मेरी बात को समझो। हाँ, जो हो चुका है उसको मैं बदल नहीं सकता, ये तुमको भी पता है, ये मुझे भी पता है। अगर ये रिश्ता चाहिए, पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़ा जाता है, अदरवाइज ये रिश्ता यही खत्म भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है हम दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर दे, बट उससे होगा क्या? ना तो तुम खुश हो ना मैं खुश हूँ, तो क्यों नहीं बीच का रिश्ता निकाला जाए और पुरानी बातों को भूल के फिर से नए रिश्ते की शुरुआत की जाए, ताकि हम कभी आपस में इस तरह से लड़े नहीं, हमारे बीच में इस तरह की गलत फहमियां ना हो जो पास्ट में हो चुकी हैं। तो यही कहना है आज आपके पार्टनर को आपसे। तो इस तरह की अगर रीडिंग आपको पसंद आती है गाइस, तो ढेर सारे करने हैं आपको लाइक्स। लाइक जितने आएंगे उतना ही अच्छा है, उतने ही ज्यादा अच्छे से मैं आपको
बता पाऊंगी। अभी आपके रिश्ते के लिए गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल की क्या गाइडेंस है। ठीक है, आपको गाइडेंस भी दे देती हूँ। अगर मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए गाइस, क्योंकि अब मैं देने वाली हूँ आपको आगे की गाइडेंस। यहाँ तक अगर रेजोनेट हुई है तो डेफिनेटली ये गाइडेंस भी आपके लिए है। प्रे कर लीजिए, देखते हैं आपको इस रिश्ते में अभी क्या करना चाहिए। सेक्सुअल फ्रीडम, इस रिश्ते को और चांस देना चाहिए। आप जरूरत से ज्यादा अपने पार्टनर को अब इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको उनसे मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनसे डेट करनी चाहिए। और ये आ गया है यूनियन कनेक्शन। एंजल भी आपको यही कह रहे हैं कि मौका दे दीजिए, बात कीजिए, जिससे बात कीजिए, पुरानी बातों को बीच में अभी ना लेके आए। अभी इस रिश्ते को सुलझाने की कोशिश करें और ज्यादा उलझा ना दें कि बाद में आपको लगे कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, आपसे तो अब रहा नहीं जा रहा है। रहा भी नहीं जाता है और लड़ना भी है। लड़ना भी ऐसे है कि सामने वाला ही झुकता रहे झुकता रहे झुकता रहे। अभी देखिए काफी झुक चुके हैं आपके पार्टनर, तो आप उनको मौका दे सकते हैं। उनसे एक फ्रेंडली गेस्चर जरूर रखें, एक प्यार से बात करें, इतना डिसरिस्पेक्ट मैनर में बात ना करें। बात करो तो ऐसे तो लगे कोई समझदार इंसान बात कर रहा है, तो अपनी बातें भी रखो, लेकिन इस तरीके से रखो कि सामने वाले को भी लगे कि हाँ सही तरीके से आपने अपनी बात को रखा है। बातें तो आप कर रहे हो, लेकिन सही तरीके से आप बात कीजिए। ज्यादा गुस्सा, नाराजगी या फिर कटिंग वर्ड्स इस तरह का बोल देना जो चीजें इतनी बुरी है भी नहीं कि आप बुरा बना दें, तो ये आपके लिए भी गाइडेंस है जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। हाउ गाइज, आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो आपको करने हैं ढेर सारे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। मिलती हूँ मैं आपको अपने नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Oh, oh, oh.